सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव अनिया, वाचिंग द साइंस सिस्टम। सो गाइस, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसरो के काफ़ी सारे ऐसे पेंडिंग मिशन अभी भी पड़े हैं जो कि धीरे धीरे मोदी के समय के अंदर चलते चले जा रहे हैं। ये कुछ जितने भी पेंडिंग प्रोग्राम्स थे, ये सारे के सारे कांग्रेस टाइम से पेंडिंग पड़े थे। जैसे कि चंद्रयान टू प्लान कर लिया गया था कि वो 2009 में लॉन्च किया जाएगा, बट इसरो को ज़्यादातर फंड नहीं किया जाता था गवर्नमेंट से, इसलिए वो काफ़ी जगह पता हुआ चला गया और काफ़ी सारे टेक्निकल स्नैक्स आए थे या टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिनकी वजह से इसरो अपने इन मिशन को कामयाबी नहीं दे पाई। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो एक ऐसे ही पेंडिंग मिशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा था, जिसका नाम है कार्टोसैट। और ये मिशन एक अकेला ऐसा मिशन है जिसने भारत को अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा पावर दिलवा दी है। तो ये समय था 1999 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यानी बीजेपी जब पहली बार सत्ता में आई थी। तो ये समय था जब 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ गया था। तो इस समय भारत बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गया था, और ख़ासकर जब ये पहली सरकार थी तो विपक्ष भी इनके ऊपर सीधा चढ़ चुका था कि ये सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिहारी वाजपेयी जी ने और बीजेपी सरकार ने ये फैसला किया कि वो नासा से यानी कि अमेरिका से जाके हेल्प मांगेगा, ताकि उसके सैटेलाइट से कारगिल यानी कि पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन का पता लगाया जा सके, या फिर उनके कैंप्स कहाँ पे हैं उसका पता लगाया जा सके, ताकि इंडियन सेना को ये कम मेहनत करनी पड़े वहाँ तक पहुँचने में, और वो नीचे रहते रहते ही सीधा निशाना लगा सके और कम हानि से वो जंग जीत सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका हर किसी मसले में टांग अड़ाता ही है, उसने इंडिया को ये इजाज़त नहीं दी। हालांकि उस समय तक इसरो का कोई जाना माना नाम नहीं था, इसलिए इसरो को कोई जानता भी नहीं था, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जितने साइंटिस्ट थे उन सबको भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। तो इसरो को इस समय नेगलेक्ट ही किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका वालों ने इंडिया को नकार दिया, तो इंडिया चल पड़ा अपनी ही इस जंग को अपने ही पैरों पर कायम करने के लिए, और इसी जंग के अंदर इंडिया ने अपने हजारों सैनिकों को शहीद करवा दिया। और आप सोच सकते हैं कि अगर उस समय हमें नेविगेशन सिस्टम मिल जाता, यानी कि अगर नासा से या फिर अमेरिका से हेल्प मिल जाती नेविगेशन की, लोकेशन पता लग जाती उन सैनिकों की, तो शायद दोनों ही मुल्कों का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता और हम जल्दी ही कारगिल पर फतेह हासिल कर लेते। लेकिन ये कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रहे और काफ़ी लोगों को शहीद होना पड़ा था। तो इसके बाद स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आने लगी। लेकिन जैसे कि कारगिल युद्ध हुआ था, तो इसकी बीजेपी सरकार थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी, और धीरे धीरे बाद में बीजेपी के बाद दोबारा कांग्रेस सत्ता के अंदर आ गई। बीजेपी का जो काल था 1999 के बाद अकेला सा काल था जहाँ पर एजुकेशन और साइंस का थोड़ा सा बजट बढ़ाया गया था, लेकिन क्योंकि उससे पहले इसका बजट नहीं बढ़ाया गया था। और इसके बाद फिर से कांग्रेस सरकार आई और फिर से इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया। फिर 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, और चंद्रयान 1 लॉन्च होने के बाद से ही इसरो का नाम धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा, और गवर्नमेंट ने भी फंड करना स्टार्ट कर दिया। बट काफ़ी सारे मैंने बताया टेक्निकल स्नैक्स थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोग्राम पेंडिंग रहे थे, जिनमें से कार्टोसैट भी इनमें से 1 था। कि हमारा एक नेविगेशन सिस्टम बनाने का भी प्लान था, बहुत पहले से ही चला आ रहा था ये, कि हम एक अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि हमें अपनी लोकेशन की लाइव इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेगा। सो इसको देखते हुए इसरो ने इसमें काफ़ी पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो जैसे ही मोदी की एंट्री हुई, तो मोदी के समय पे मंगलयान लॉन्च होने वाला था, तो इसलिए मोदी पहले मंगलयान लॉन्च करवाया, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। और धीरे धीरे मोदी के काल में जैसे जैसे लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, इसरो भी कुछ ऐसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरे ग्रहों पर जाने का जज्बा रखती है, तो बाहर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फंड करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अभी कार्टोसैट 3 लॉन्च होने वाला है, इस समय भी 13 अमेरिकी सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे कार्टोसैट के साथ। तो इस समय आप सोच सकते हैं कि अमेरिका इस समय अपने 13 अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो को फंड कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसरो का ये प्रोग्राम भी चल रहा होगा। तो कारगिल युद्ध के बाद से इंडिया को ये एहसास हो गया था कि अब हमें भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम बना लेना चाहिए, क्योंकि हम कब तक दूसरी कंट्रियों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। कुछ साल पहले इसरो ने ISRO नाम के सैटेलाइट्स की सीरीज को लॉन्च किया था, लेकिन वो सैटेलाइट्स कामयाब तो रहे, बट उनकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए इसके बाद थोड़े से और मॉडिफिकेशन के बाद कार्टोसैट नाम की एक सीरीज का लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कार्यरत रही और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है अभी भी। और इन्हीं की हेल्प से हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। काफ़ी अलग से मॉडिफिकेशन किया गया, यानी कि कार्टोसैट की सीरीज का भी एक एडवांस वर्जन बनाया गया है, जिसे कार्टोसैट 3 कहा गया है। तो ये थी कार्टोसैट की जर्नी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से स्टार्ट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आई थी और अब मोदी के समय के अंदर खत्म हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कार्टोसैट 3 के बारे में। इसरो हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लगाते हुए चंद्रयान 2 के बाद एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिससे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे।
इसरो से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसरो ने पीएसएलवी 347 मिशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जो कि भारत के एक सैटेलाइट कार्टोसैट 3 और 13 अमेरिकी नैनो सैटेलाइट को लेकर 27 नवंबर 2019 की सुबह 9:28 पर लॉन्च होगा। तो जान लेते हैं क्या है कार्टोसैट सैटेलाइट। इसरो के कार्टोसैट सैटेलाइट के सीरीज भारत की जासूस आंखों की तरह काम करते हैं। इसरो अभी तक इस सीरीज के 8 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ये सभी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि धरती की तस्वीरें अंतरिक्ष से लेते हैं, और ये सभी सैटेलाइट भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भारत की सीमाओं पर नजर रखने के लिए काम में लाए जाते हैं। कार्टोसैट सीरीज का पहला सैटेलाइट 5 मई 2005 को पहली बार लॉन्च किया गया था। वहीं 12 जनवरी को कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि अभी तक शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और अब बारी है कार्टोसैट 3 का काम देखने की। तो क्या है कार्टोसैट 3 की खासियत। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जब भारत का ये 1507 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च होगा, तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका का भी बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट में दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम यानी 25 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई से फोटो ले सकता है, यानी आपकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में कितने बज रहे हैं इसकी सटीक जानकारी भी इसरो सेना को दे सकता है। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट सीरीज के मुकाबले कार्टोसैट 3 बेहतर गुणों से लैस है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट की मदद ली गई थी, लेकिन कार्टोसैट 3 सैटेलाइट की क्षमता इसके पुराने मॉडल की क्षमता से काफ़ी अधिक है, यानी अब सर्जिकल स्ट्राइक और अधिक सटीकता से हो सकेगी। और LOC या बांग्लादेशी सीमाओं पर आतंकवादियों के कैंप की बारीकी से पिक्चर्स ली जा सकेगी और आसानी से उन सभी पर अटैक किया जा सकेगा, क्योंकि कार्टोसैट 3 मल्टीपल स्पेक्ट्रा यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड रेडिएशन पर फोटो ले सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हर रंग की क्लियर कट इमेज बना सकता है। मल्टीपल स्पेक्ट्रा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक रेंज की लाइट को कैप्चर कर सकता है, जिसकी मदद से ये जो भी तस्वीर इसरो को भेजेगा वो एकदम क्लियर होगी, और इसलिए ये अंतरिक्ष से भारत और भारत की सरहदों की रक्षा के लिए 2400 घंटे सबसे उम्दा तस्वीर लेने वाला पहला सैटेलाइट होगा। सभी जासूसी सैटेलाइट का बाप है कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 सतह से 509 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए धरती पर मौजूद 25 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर ले सकता है। ये थर्ड जनरेशन यानी 3D का सैटेलाइट दुनिया का सबसे अधिक शार्प इमेजिंग सैटेलाइट में से एक है। अभी तक इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रखने वाले सैटेलाइट कैमरा किसी भी देश ने लॉन्च नहीं किया है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट GEO-I-1 सैटेलाइट 16.14 इंचेस तक की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकता है। वहीं इसी कंपनी का दूसरा सैटेलाइट 18.11 इंचेस तक की ऊंचाई तक की फोटो ले सकता है, और ये दोनों ही अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इसरो के कार्टोसैट 3 के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। कार्टोसैट 3 का पिछला जो सैटेलाइट वर्जन था वो था कार्टोसैट 2, जो कि 65 सेंटीमीटर तक की हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो ले सकता है, और ये अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में थोड़ा सा अधिक सुधार कर इसका एक एडवांस वर्जन इसरो ने तैयार किया है, जिसे कार्टोसैट 3 का नाम दिया जा रहा है। अंतरिक्ष में क्यों जरूरत है भारत को कार्टोसैट 3 की? तो जहां तक इस सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है, तो इसका काम होगा अंतरिक्ष से भारत और भारत की बॉर्डर सीमाओं पर नजर रखना, आपदाओं और दूसरे विकास में भारत की मदद करना, साथ ही साथ भारतीयों के अंतरिक्ष में रहकर हिफाजत करना। और एक बार लॉन्च होने के बाद ये भारत की सबसे ताकतवर आंखें बन जाएंगी, जिसे साइंटिस्ट भारत की तीसरी आंख भी कह रहे हैं, जिससे LOC और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सीमाओं पर हो रही हर हलचल और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी से सैटेलाइट इसरो से लेकर भारत तक की सभी डिफेंस अकेडमी लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक ये लाइव पिक्चर दिखाएगा, और इस सैटेलाइट की मदद से पलक झपकते ही भारत के वीर सैनिकों की मदद से सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ आतंकवादियों की सभी साजिशों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसके अलावा ये सैटेलाइट अलग अलग मौसम में पृथ्वी के अलग अलग इलाकों की जानकारी जुटाने में और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी सक्षम है। भारत की बाज की नजरें, भारत की इन बाज की नजरों से कोई भी नहीं बच सकता है। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में कार्टोसैट सैटेलाइट के पुराने मॉडल से सारी इन लाइव इन्फॉर्मेशन सेना को मिल रही थी, और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से ये दोनों स्ट्राइक बिना किसी सैनिकों की जान गंवाए भारतीय सेना ने सक्सेसफुली पूरी की थी। लेकिन अब तो भारत के पास
इससे भी आधुनिक सैटेलाइट भारत की कक्षा में मौजूद होगा, जो कि पाकिस्तान तो क्या पड़ोसी देशों के घर के बालकनी में भी रखी हुई बाल्टी के अंदर भी झांक सकता है। कार्टोसैट 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा और ये इसरो का 74वां लॉन्च होगा। तो गाइस इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करके जाना। 2000 में ऐसी साइंटिफिक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। डेली लाइफ में जुड़े हुए साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले बेल आइकन को भी साथ में दबा देना, ताकि आपको वीडियो मिले वो भी सबसे पहले।